हाँ भाई, गुप्त साम्राज्य, गुप्त डायनेस्टी। पहली बात सुनिए जरा ध्यान से। लाओ बेटा, आराम से बैठो वहीं पे। धन्यवाद। देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो टॉपिक था वो क्या चल रहा था, गुप्ता यानी गुप्त डायनेस्टी यानी गुप्त साम्राज्य। कौन सा चल रहा था? गुप्त साम्राज्य। समझिए, पहली बात, एक बात समझ लीजिए, हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, अगर हमने उसमें गुप्ता को अच्छे से नहीं समझा ना, गुप्त साम्राज्य को, तो बेकार है। एक बड़ा रीजन इस बात का है कि जो गुप्त साम्राज्य हुआ करता है, किसे इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा। स्वर्ण युग का मतलब है गोल्डन इरा। क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग? कुछ लोग मानते हैं सर इसमें ना सोने के सिक्कों का ज्यादा प्रचलन हुआ। हाँ, ये बात तो सही है कि सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ, लेकिन आप एक ही बेस नहीं मान सकते, एक ही आधार नहीं मान सकते किसमें सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ है। सिर्फ इसी आधार पर नहीं कह सकते कि सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ है, इसलिए हम इसे स्वर्ण युग कह देंगे। नहीं, ये वो वंश है जिसमें भारतीय संस्कृति अपनी चमक दिखाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती है। यहाँ के जो राजा थे, इनकी जो संस्कृति थी, इनकी जो शैली हुआ करती थी, वो वास्तव में जबरदस्त हुआ करती थी। भारतीय संस्कृति की अगर कहीं पर अच्छे से पहचान दिखाई देती है, तो वो कौन सा साम्राज्य है? गुप्त साम्राज्य। कौन सा है बेटा? दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो गुप्त साम्राज्य हम समझते हैं, एक तो ये पूर्णतः भारतीय वंश था। इससे पहले हमने देखा था, इससे पहली क्लासेज में देखा था हमने, शक अटैक पड़ा, शक आक्रमण। शक कहां से आए थे? माइनर एशिया। कहां से आए थे? एक बर्बर जनजाति हुआ करती थी ना, कितनी बर्बर जनजाति थी। उसके बाद कौन आए? कुषाण। कुषाण कहां से आए थे? चाइना से आए थे, चीन के यूची कबीले से भारत आए थे। और उसके बाद बहुत समय बाद भारत में पहली बार अपना भारतीय और हिंद वंश आ रहा है, भारत का वंश आ रहा है, जिसका नाम क्या है? गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्त साम्राज्य। क्लियर। दूसरी बात, यहां की सबसे खास बात क्या है कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज, सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है? और यहाँ की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। इससे पहले हमने पाली भाषा देखी, इससे पहले हमने प्राकृत भाषा देखी, लेकिन यहाँ की जो लैंग्वेज थी, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, भाषा जो हुआ करती थी, वो कौन सी थी? संस्कृत थी। बात क्लियर। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, किसे कहेंगे आप? श्रीगुप्त। कौन था बेटा? श्रीगुप्त। आराम से याद कर लेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, ये जो गुप्त हुआ करते थे, ये किसके सामंत थे? कुषाणों के। किसके सामंत थे? यानी इनसे पहले एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था कुषाण वंश, और ये कुषाणों के कौन हुआ करते थे? सामंत। बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा प्रश्न आता है, गुप्त कौन थे? आप करेंगे कुषाणों के कौन थे? वो सामंत। क्लियर। सामंत हुआ करते थे, तो ये जितने भी सामंत हुआ करते थे, इन सभी सामंतों में एक बड़ी खास बात थी, ये सब एकजुट रहते थे, एक यूनियन बनाकर रहते थे। इन्होंने क्यों ना एक प्लान बनाया, इन सामंतों ने कहा, हिंदुस्तान हमारा, भूमि हमारी, राज्य हमारा, सब कुछ हमारा, और हमारे यहां शासन कौन कर रहा है? एक विदेशी। इसलिए इन्होंने एक प्लानिंग बनाया, और इस प्लानिंग के तहत एक काम किया, इन्होंने कहा हम अपने ही राज्य के किसी व्यक्ति को राजा बनाएंगे, लेकिन वो राजा ना पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होगा, वो हम सबके नीचे काम करेगा, हमारे अधीन काम करेगा। एक बात याद रख लीजिएगा, गुप्त वंश में मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ टाइटल्स बहुत पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? उपाधियां बहुत पूछी जाती हैं कि कौन सा शासक कौन सी उपाधि धारण करता है। इस बात का ध्यान रखना, जो राजा महाराजा की उपाधि धारण करेगा, किसकी? जो राजा महाराजा की उपाधि धारण करेगा, उसका मतलब है वो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी न किसी के अधीन काम कर रहा है। और वो किसके अधीन काम कर रहा है? सामंतों के। किसके अधीन काम कर रहा है? सामंत। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने एक टाइटल धारण किया था जिसका नाम था महाराजा। किसकी उपाधि धारण की थी? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो श्रीगुप्त हुआ करता था वो स्वतंत्र शासक नहीं था, वो किसके अधीन काम कर रहा था? सामंतों के। बात क्लियर। दूसरी बात, श्रीगुप्त का एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम क्या था? घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। ये इसका बेटा घटोत्कच हुआ करता था, जब इसकी मृत्यु के बाद ये शासक बना, तो इसने भी एक टाइटल धारण किया जिसका नाम क्या था? महाराजा। और यहां भी इसका मतलब क्या होता है कि ये भी एक स्वतंत्र शासक नहीं था,
ये भी किसी न किसी के अंडर में काम करता था, अधीन काम किया करता था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतिहास है, बहुत सी चीजें समझनी पड़ती हैं। तुम्हारे सामने ना सीधा सीधा एक प्रश्न दे दिया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आप आंसर क्या करेंगे, श्रीगुप्त दे दिया। एक अभिलेख है, एक क्या है, अभिलेख के बारे में तो बताया था ना मैंने तुम्हें, अभिलेख क्या होते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं। एक अभिलेख है और ये अभिलेख मिला कहां, पुणे में, इसलिए इस अभिलेख को हम क्या कहते हैं, पुणा अभिलेख। जो अभिलेख एक पत्थर पर लिखी हुई कुछ चीजें जिस स्थान पर मिल जाती हैं उसे उसी अभिलेख का नाम दे दिया जाता है। ये महाराष्ट्र में पुणे में मिला था, इसलिए इस अभिलेख को हम किस नाम से जानते हैं, पुणा अभिलेख। पुणा अभिलेख को जो लिखा है वो प्रभावती गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है, प्रभावती गुप्त। अब कहेंगे सर ये प्रभावती गुप्त कौन है, किसने लिखा है, प्रभावती गुप्त ने। अब ये प्रभावती गुप्त कौन है, आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य की बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त, उसने ये अभिलेख लिखा। और उसमें पता है क्या लिखा है, ये कुफ्ती लड़की समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन आता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, आंसर क्या करेंगे, श्रीगुप्त। क्वेश्चन अगर ऐसे आता है पुणा अभिलेख के अनुसार, किसके अनुसार, पुणा अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तब आप आंसर क्या करेंगे, घटोत्कच। किसे, ये प्रभावती गुप्त कहती है, ये कहती है नहीं श्रीगुप्त नहीं से भाई साहब, कौन थे, घटोत्कच। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन आ रहा है सीधा सीधा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, अगर आता है पुणा अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं, चलिए बढ़िया बात। अगली बात देखिएगा, घटोत्कच को भी संस्थापक हम मान ही लेते हैं। अब तीसरी बात देखिए, जो घटोत्कच हुआ करता था इसका एक बेटा हुआ जिस बेटे का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था, चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी चंद्रगुप्त प्रथम, ये घटोत्कच का कौन हुआ करता था, बेटा। जैसे ही ये चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना इसने किसकी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज। किसकी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज, यानी महाराजा धीराज का मतलब है राजाओं का भी राजा, महाराजाओं का भी महाराजा, महाराजा धीराज। अब ये महाराजा की उपाधि धारण नहीं कर रहा, किसकी कर रहा है, महाराजा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये राजाओं का भी क्या था, राजा था। यानी कि याद ये रखना है, क्वेश्चन अगर आता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो श्रीगुप्त था, अगर आए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो आप क्या करेंगे, चंद्रगुप्त। अगर आता है गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था तो भी आप क्या करेंगे, चंद्रगुप्त, क्योंकि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। जो महाराजा की उपाधि धारण करेगा वो अधीन काम करता है, और जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रहा है वह एक कैसा शासक है, स्वतंत्र। तो हम कह सकते हैं गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन हुआ। अब सुनिए यहां से आगे, थोड़ा कल तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही बताया था ना, अब डिटेल में समझना यहां से आगे। जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम शासक बने, ये शासक बने थे 319 BC में, कब बने थे, 319 BC, यानी इसे हम कह सकते हैं दिसंबर 319 में राज्याभिषेक शुरू हुआ होगा और जनवरी में क्या हो गया होगा, फाइनल हो गया होगा। 319 BC में जैसे ही ये शासक बनते हैं, इन्हें शासक बनते ही इन्होंने एक कैलेंडर की शुरुआत की थी जिस कैलेंडर का नाम क्या था, गुप्त संवत। कौन सा संवत, तो कभी कभी आता है गुप्त संवत का सही समय क्या है, 319 BC। किसने शुरू किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम एक महान राजा हुआ करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक देश पड़ता था जिस देश का नाम था लिच्छवी देश। कौन सा देश था, एक देश पड़ता था जिसका नाम था लिच्छवी देश, और लिच्छवी देश की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था, देखो रे भाई साहब क्या नाम है इसका, कैसा नाम लग रहा है तुम्हें, पहले आदमी का सा लगता है बाद में देवी लग जाती है ना। एक देश पड़ता था जिसका नाम क्या था, लिच्छवी देश, और यहां की जो राजकुमारी थी उसका नाम क्या था, कुमार देवी। इसने लिच्छवी देश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था, और ये विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है। जानते हैं गंधर्व विवाह क्या होता है, नहीं जानते ना, नहीं जानते, बहुत जानते हो, हर आदमी उसी के चक्कर में पड़ा है, और तुम तो खूब पढ़े हो बेटा, मैं सबको जानता हूं। कौम प्रेम विवाह, कितना अच्छा सा नाम है, कौन सा विवाह है ये, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह ही क्या कहलाता है, गंधर्व विवाह, यानी कि लव, हाँ LM लिख दो, लव मैरिज नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, LM। यानी कि याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी देश की राजकुमारी कौन, कुमार देवी,
कुमार देवी के साथ विवाह किया, जिसे गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। ये इन्होंने विवाह किया और देखना कितना प्रेम करता था भाई साहब। इसने ना सिक्के चलाए थे, क्या चलाए थे इसने? सिक्के। जैसे मान लो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों तरफ से होता है, ऐसे इसने सिक्के चलाए थे ऐसे। एक सिक्के पर तो भाई साहब अपनी पत्नी का ही नाम लिख डाला। किसका नाम लिखा? कुमार देवी। क्या लिखा? कुमार देवी। यानी एक तरफ सिक्के के कॉइन के एक तरफ के अपनी पत्नी का नाम लिखा और दूसरी तरफ मां लक्ष्मी की क्या कराई? आकृति क्या कराई? अंकित कराई। समझ रहे मेरी बात को? एक तरफ अपनी पत्नी कुमार देवी का नाम अंकित कराया और दूसरी तरफ मां लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई। कुछ सिक्के ऐसे भी मिले जिन पर एक तरफ, ये तो कॉमन था, ये तो निश्चित था कि एक तरफ तो अपनी पत्नी का नाम होगा ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ कहीं कहीं इसने अपना ही नाम लिखवा दिया था। देखिए ये तो निश्चित है कि हर सिक्के पर ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मां लक्ष्मी की आकृति मिलेगी, ठीक है, पर कहीं कहीं मां लक्ष्मी की आकृति ना होकर इसने क्या किया है? अपना ही नाम अंकित करा दिया है। तो क्वेश्चन आता है, वह गुप्तकालीन शासक जिसने एक तरफ अपनी पत्नी कुमार देवी का नाम अंकित कराया तथा दूसरी तरफ अपना नाम या मां लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी, तो आप याद रखना वो कौन सा वंश है? गुप्त वंश। और शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। जब ये चंद्रगुप्त प्रथम शासन कर रहा था, इतना सा इनके बारे में बहुत है जानने के लिए। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अब यहां से देखना गुप्त वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था इसका? इसका नाम हुआ करता था समुद्रगुप्त। क्या नाम था इसका? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासक बना। अब जैसे ही ये समुद्रगुप्त शासक बन जाता है, देखिएगा जरा, समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त ना एक बलशाली शासक था, सिर्फ एक शक्तिशाली शासक नहीं था, समुद्रगुप्त एक संगीतज्ञ भी था। क्या था? संगीतज्ञ था, यानी कि संगीत से बहुत प्रेम किया करता था। संगीतज्ञ था इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह गुप्तकालीन शासक जिसने कविराज की उपाधि धारण की, तो आप क्या करेंगे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वो शासक है गुप्त वंश का जिसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। कितने राज्यों को जीता था? साउथ इंडिया के कितने राज्यों को जीता बेटा? 12 राज्यों को जीता था। जिस दक्षिण भारत की तरफ कोई मुड़ता न था, ये व्यक्ति साउथ इंडिया के 12 राज्यों को जीत लेता है। कितने राज्यों को? तो आपसे कह सकते हैं क्वेश्चन, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आप क्या करेंगे? समुद्रगुप्त। इतना महान था कि इसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था और ये दक्षिण में जा रहा था, ये दक्षिण में चलता गया, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे एक नाम दिया, दक्षिणा पथ का स्वामी। क्या नाम दिया? दक्षिणा पथ का स्वामी। यानी किसने दक्षिण को जीता था, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? दक्षिणा पथ का स्वामी भी इसे कहा जाता है। एक अंग्रेज इतिहासकार भारत आया था जिसका नाम था विसेंट स्मिथ। इसका क्या नाम था? ये विसेंट स्मिथ हुआ करता था, ये भारत आया था और इसने जब भारत का इतिहास पढ़ा और इतिहास में भी समुद्रगुप्त को पढ़ा, तो इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि इसने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कह दिया? नेपोलियन। भारत का क्या कह दिया? नेपोलियन। क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप क्या करेंगे? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौन था ये नेपोलियन? नेपोलियन बोनापार्ट इसका पूरा नाम है, फ्रांस का शासक हुआ करता था। कई कई देश एक साथ युद्ध लड़ने आ जाते थे, लेकिन ये पराजित नहीं होता था, हारता नहीं था, अपने दम पर पूरी सेना को जिता देता था। फ्रांस को एक ऊंचाई पर ले जाने वाला शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। ऐसे ही भारत में कभी न हार मानने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त, जिसने दक्षिण भारत के कितने राज्यों को जीता था? 12 राज्यों को जीता था। फिर सुनिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। यह एक कौन था? संगीतज्ञ, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। कितने राज्यों को जीता? इसलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। और इसे क्या कहा जाता है? दक्षिणा पथ का स्वामी। इसके अलावा अगर देखें इसके बारे में थोड़ा सा, अगर इसके बारे में देखें तो ये देखिएगा कि ये जो समुद्रगुप्त हुआ करता था, इस समुद्रगुप्त के दरबार में कवि रहा करता था जिसका नाम था हरसेण। कौन रहा करता था? हरसेण।
एक दरबारी कवि था जिसका नाम हरसेड़ हुआ करता था, और इस हरसेड़ ने एक अभिलेख लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिस अभिलेख का नाम था प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा अभिलेख था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, या इसे इलाहाबाद अभिलेख के नाम से भी हम जान जाते हैं, इलाहाबाद। अब आप कहेंगे सर ये प्रयाग नाम क्यों रखा, इलाहाबाद नाम क्यों रखा? क्यों रखा? क्योंकि भाई साहब कहाँ पाया गया ये? इलाहाबाद में, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, यही कर दिया। इसलिए इसे इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं और प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है, हरसेड़ द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? गुप्त राज्य से। किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। बात के लिए चलिए आगे देखिएगा, जब यह समुद्रगुप्त शासन कर रहा था, कौन शासन कर रहा था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जब शासन कर रहा था तो समुद्रगुप्त के दो बेटे हुए, कितने बेटे हुए? दो। एक बेटे का नाम था रामगुप्त, क्या नाम था? और दूसरा बेटा था इसका, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन आ जाता है, आजादी के बाद भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें सोने के सिक्कों का भंडार मिला है? 1954 के लगभग की बात है, जैसे हम अपने घरों में, अपने खेतों में कभी कभी खुदाई कराने लग जाते हैं, मिट्टी उठवाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही राजस्थान के, राजस्थान में एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और भरतपुर के पास एक बयाना नामक गांव है। कौन सा गांव है? इस बयाना में ना कुछ लोग खुदाई करा रहे थे, और खुदाई में देखा तो सोने के सिक्कों का एक भंडार मिला, पूरा का पूरा ढेर मिला है सोने के सिक्कों का। जब उस ढेर को देखा तो सोने के सिक्कों पर पता है क्या था? उन सोने के सिक्कों पर मां सरस्वती की वीणा बजाते हुए आकृति मिली है। मां सरस्वती की वीणा बजाते हुए क्या मिली है? आकृति। इतिहासकारों ने उसे देखा, पुरातत्व विभाग जो होता है उसने उसे देखा, फिर इतिहास से मिलाया और इतिहास में देखा संगीत का शौकीन कौन था? कौन था? समुद्रगुप्त। और संगीत के जो शौकीन होते हैं वो मां सरस्वती के पुजारी होते हैं। उन्होंने दिमाग लगाया और इतिहास में एक अच्छा सा नाम लिख दिया। क्वेश्चन आता है कि वह गुप्तकालीन राजा कौन था जिसने अपने सिक्कों पर मां सरस्वती की वीणा बजाते हुए आकृति अंकित कराई थी? तो आप आंसर क्या करेंगे? समुद्रगुप्त था। कौन था? और ये कहाँ मिला है? अगर करंट में भी कुछ पूछ ले आपसे प्रश्न कि आजादी के बाद किस क्षेत्र में सोने के सिक्कों का भंडार मिला, तो बयाना कहाँ मिला है? भरतपुर में। बात के लिए यहां तक। समुद्रगुप्त जो हुआ करता था, इसके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम रामगुप्त था और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत प्यार से और सरल भाषा में, बहुत मृदुल भाषा में यहां से आगे बताऊंगा जो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो इससे पिछले थे ये फैक्ट थे जो तुम्हें याद करने थे, यहां से आगे जो होगी वो एक कंसेप्ट होगा और एक कहानी होगी जिससे समझ में आ जाएगी। देखना जरा ध्यान से, ये जो रामगुप्त हुआ करता था ये बड़ा बेटा था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुआ करता था ये छोटा बेटा था। समुद्रगुप्त वृद्ध हो गए थे, ये मरने ही वाले थे, इससे पहले इन्होंने अपने उत्तराधिकार की घोषणा कर दी। कह दिया कि ये तो भारत की परंपरा रही है ना कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही कौन बनेगा? राजा। समुद्रगुप्त के अनाउंस कर दिया और कह दिया कि मेरी मृत्यु के बाद इस राजगद्दी पर कोई बैठेगा तो वो कौन होगा? रामगुप्त होगा। इस बात से चंद्रगुप्त द्वितीय को कोई दिक्कत नहीं थी। चंद्रगुप्त द्वितीय तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आराम से शिक्षा का आनंद ले रहे थे, वो तो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए इनके बड़े भाई थे। और ऐसा ही हुआ कि जैसे ही समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु होने के बाद अगला शासक जो बना वो कौन बना? रामगुप्त। रामगुप्त शासक बन जाता है। एक बात बता दें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, तो वो मैंने कौन बताया था? समुद्रगुप्त। वही एक बात याद रखना, गुप्त वंश का सबसे कायर शासक कौन मिलेगा, तो वो आप क्या करेंगे? रामगुप्त। रामगुप्त गद्दी पर बैठ गया, एक अयोग्य शासक साबित हुआ। इसके पीछे कई तर्क मिलते हैं। रामगुप्त एक अयोग्य शासक हुआ करता था, एक तो प्रजा को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। खैर, प्रजा को देख लिया जाए, उसे इस वर्ष नहीं अगले वर्ष संतुष्ट कर दिया जाएगा, उसके टैक्स को कम कर दिया जाएगा, टैक्स में इंप्रूवमेंट कर दिया जाएगा, ये तो सामान्य सी बात थी। लेकिन एक बड़ी घटना रामगुप्त के समय हुई। इसी रामगुप्त के समय भारत में शक अटैक हुआ।
कौन सा आक्रमण हुआ? शक। अरे वही शक जो भारत से क्या हो गए थे, भाग गए थे, एक विक्रमादित्य ने भगाए थे ना, ये शक आक्रमण पुनः भारत में हो गया। लेकिन अब की बार शक आक्रमण ऐसा नहीं था, अब की बार का जो शक आक्रमण था ना वो बहुत भयंकर था। इन शक का जो आक्रमण कर रहा था, जो शकों का राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम था शकराज। क्या नाम था? यानी कि इन शकों का जो नेतृत्व करने वाला राजा कौन था? शकराज। शकराज हिंदुस्तान में आ गया और उस समय हिंदुस्तान की गद्दी पर गुप्त राजवंश हुआ करता था, जिसका शासक कौन था? रामगुप्त। शक जैसे ही भारत में आए, दोनों के बीच एक युद्ध भी माना जाता है, लेकिन इस युद्ध में रामगुप्त पराजित हो गया। विरासत में मिला था इतना बड़ा राजवंश, इतनी बड़ी सेना मिली थी, उसके बावजूद भी ये पराजित हो गया और एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। शकराज संधि करने बैठ जाता है, एक तरफ रामगुप्त बैठा है और एक तरफ शकराज बैठा हुआ है, दोनों संधि करने बैठ जाते हैं। रामगुप्त को लग रहा था हमारा साम्राज्य चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। शकराज से जाकर मिलते हैं, शकराज से कहते हैं हाँ कोई संधि कर लेते हैं, हमें अपना राज्य बचाना है, बताइए राज्य के अलावा आपको क्या चाहिए। एक और बात बताएं, इस कहानी में ट्विस्ट तो रह ही गया है कि जो रामगुप्त था इसकी एक पत्नी थी, यानी इनकी एक पत्नी थी और उन पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। क्या नाम था इनका? ध्रुव स्वामिनी जो हुआ करती थी, ये किसकी पत्नी थी? रामगुप्त की पत्नी हुआ करती थी। और खास बात पता है तुम्हें, उस समय की सबसे सुंदर युवती माना जाता था, बेहद खूबसूरत हुआ करती थी ये, और इनकी खूबसूरती के बड़े चर्चा हुआ करते थे, और ये चर्चा ना शकराज के कानों में भी पहुंच गए थे। राक्षस तो पहले से ही था, सब बर्बर जनजाति नहीं थी, बहुत सुंदर हुआ करती थी ध्रुव स्वामिनी। शकराज को पता चल गया, शकराज ने कहा देवगुप्त एक शर्त के पीछे हम तुम्हारे साम्राज्य को छोड़ सकते हैं और तुम आजाद हो। रामगुप्त ने कहा हाँ सर बताइए ना क्या है ऐसी शर्त। बोले एक काम करो। बोले हाँ, जो तुम्हारी पत्नी है ना ध्रुव स्वामिनी, बड़े किस्से सुने हैं, बहुत सुंदर है। बोले हाँ महाराज सुंदर तो है ना। बोले हाँ हाँ सुंदर तो है। बोले एक काम करो, तुम ना अपनी पत्नी को हमें दे दीजिए, हमारा विवाह कर दीजिए और हम ना पूरे साम्राज्य को छोड़कर चले जाएंगे, एक पैसा नहीं लेंगे तुमसे। कितना महान आदमी था रही है, पता है कौन? रामगुप्त। पता क्या सोचा इसने? कोई बात नहीं, पत्नी तो है, एक पत्नी से अगर राज्य बचता है, इतने लोग मरने से बचते हैं, तो क्या जा रहा है, दूसरी पत्नी देख लेंगे बाद में, क्या दिक्कत हो रही है। कितना समझदार था ये। और इसने क्या किया, इसने सिर्फ कहा नहीं, दे दिया। बोले महाराज ये रही हमारी पत्नी, आज से ये पत्नी हमारी नहीं है बल्कि किसकी है? तुम्हारी। शकराज के हाथ में दे दिया। ध्रुव स्वामिनी को पूछा तक नहीं जा रहा। अब जैसे ही दरबार लौट कर आए, पत्नी जो थी वो पतिव्रता थी, चरण पूजे, आइए महाराज हार गए। बोले हाँ कोई बात नहीं है, पर ना एक बात हो गई है। बोले क्या हो गया है बताओ तो। बोले हम ना शर्त में तुम्हें हराए हैं। ध्रुव स्वामिनी का क्या हुआ? बोले हमारा राज्य तभी बच सकता था, तुम्हें जाना पड़ेगा। ध्रुव स्वामिनी इतनी पतिव्रता थी, बोले अगर बात राज्य की आ रही है और तुम्हारे सम्मान की बात आ रही है तो हम चले जाएंगे। ध्रुव स्वामिनी को ये वहां तक छोड़कर आता है और किसके हाथ में दे देता है? शकराज के में। शकराज के हाथ में देता है और शकराज खुश होकर ध्रुव स्वामिनी को अपने साथ लेकर भारत से वापस हो जाता है। ये भारत से वापस जा रहा था, आराम से जा रहा था, आनंद गाने सुनते हुए जा रहा होगा भाई साहब, जा रहा था। जब ये भारत से वापस हो रहा था, इस बात की चर्चा पूरे भारत में फैल गई। जो गुप्त वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था, जिस गुप्त वंश को हम सुरणियों कहते हैं, जो गुप्त वंश भारत का सम्मान था, आज उस पर दाग लग चुका था। और ये छोटा मोटा दाग नहीं था, बात 5 मिनट में मैंने तुम्हें बता दिया, 5 मिनट में तुमने सुन लिया, कहानियां खत्म नहीं होती। अगर इस पर, अगर आप इस पर विचार करें तो एक भारत के गौरव के लिए एक बड़ी बात हुआ करती थी। वहां चंद्रगुप्त द्वितीय तक्षशिला में शिक्षण प्राप्त कर रहे थे, जैसे ही उन्हें पता चला, अपने घोड़े को लिया और चल दिए बहुत तेज गति से, दौड़े दौड़े सीधे दरबार में आए। दरबार में देखे तो रामगुप्त फुर्सत में बैठे थे, मंत्री परिषद बैठे थे, आराम से मार रहे होंगे जूस भाई साहब।
चंद्रुति ने कहा क्या हुआ, बोले हम हार गए, बोले कोई बात नहीं है, बोले भाभी कहाँ है हमारी, बोले ले गया। कौन ले गया, कौन ले गया, बोले वो ले गया सकराज, ले गया दी, देनी पड़ी, राज्य के लिए कुछ भी करना पड़ता है। चंद्रुति को बड़ा गुस्सा आया, ये महान व्यक्ति था, ऐसे विचार ही नहीं थे, तलवार निकाली, सबसे पहले इसी को मार दिया, तलवार निकाली, धड़ अलग। चंद्रुद्वितीय ने किसकी हत्या की, रामगुप्त, रामगुप्त की जैसे ही हत्या हुई ना, राज्य हिलसा गया एकदम, मंत्री हिल गए, मंत्रियों ने कहा ये क्या कर दिया, बोले तुमने भी साथ दिया था, बोले नहीं महाराज हम क्यों साथ देंगे, मैंने बोले बताओ तुमने साथ दिया हो तो देख लेते हैं, दिया था क्या, बोले नहीं महाराज नहीं बिल्कुल नहीं, हमने तो मना किया, पर बेवकूफ आदमी था, तुम ही थे सम्राट बनने लायक, तो वो थे ना चापलूस पुरोहित वगैरह। भाई साहब क्या करें, सबने कहा महाराज राज्यभिषेक, बोले राज्यभिषेक इज्जत जा रही है, पहले इज्जत बचानी है, बेवकूफ आदमी। बस बड़ी सी सेनानी और बहुत तेज गति से पवन वेग से, जैसे सुनाते हैं ना डायलॉग मारते हैं, वो पवन वेग से बहुत तेज गति से चले आगे, आगे सकरास तो मस्त ही नजर रहा था, समझ रहे हाँ, वो गाने वाते संगीत में मस्त होता जा रहा था, बोले जा रहे हैं विवाह करेंगे जाकर, धीरे धीरे जा रहा था, उससे क्या पता फताने वाली है पीछे से, बस वो आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे बहुत तेज गति से जा रहा था, जैसे ही वो गांधार क्षेत्र में पहुंचा, जानते हैं गांधार क्षेत्र कौन सा है, नहीं जानते, गांधार क्षेत्र वो क्षेत्र है, मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ से हटा के महाभारत की तरफ लेकर चलता हूं, गांधार नाम बड़ा प्रसिद्ध रहा, गांधारी का नाम सुना होगा, उसका भाई कौन था, शकुनी मामा था हमारा, कौन था, शकुनी था ना, महाभारत ही करा दिया आदमी ने भाई साहब, ये जो शकुनी था और गांधारी, वही जो तुमने महाभारत में देखा हो, पट्टी बांध के रखती नहीं है, हाँ वही थी, बिल्कुल समझ गए वहां। अब क्या हुआ, ये गांधार वो क्षेत्र है, जब महाभारत का अंत हुआ था ना, ये महाभारत समाप्त हो गया था, तो कौरव तो सब मारे गए थे, वो अंधे और अंधी बची थी बस दोनों, पांडव एक भी नहीं मरा था, सोचकर देखो पांच उन्होंने भाई सबको लुड़का दिया था, तो ये गांधार वही क्षेत्र है। अब देखना, इस पर गांधार क्षेत्र पर शकुनी का राज था, किसका साम्राज्य हुआ करता था, शकुनी का, इसीलिए उसका नाम गांधारी था, गांधार से आई थी वो। जब सब कुछ नष्ट हो गया था, महाभारत खत्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण जब वापस जा रहे थे, तो गांधारी ने कहा इधर आ छलिया लौट, क्या कन्हैया को बुलाया, बोले हाँ बताइए माते, बोले बड़े खुश होंगे ना, सभी पुत्रों को मार दिया, सबको मार दिया, सब बर्बाद कर दिया, खुश होंगे ना, मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूं, याद रखना ये श्राप बड़े महत्वपूर्ण हैं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस नगरी में तुम रहते हो, जैसे तुमने मेरे कुल का नाश किया है, जैसे मेरा जो वंश था, मेरी जो राजधानी थी वो तुमने डुबो दी, खत्म कर दी, ऐसे मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि एक दिन तुम्हारी भी राजधानी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से समाप्त हो जाएगी। पहला श्राप कृष्ण को दिया था, दूसरा श्राप दिया था कृष्ण को ही, बोले जैसे तुमने हमारे कुल में झगड़े कराए हैं, तुम चाहते थे इस युद्ध को रोक सकते थे, जैसे तुमने हमारे कुल में आपस में भाइयों को लड़ाया है, हे यदुवंशी, कृष्ण कौन थे, हे यदुवंशी देख लेना, तुम तुम्हारे पूरे यदुवंश में कभी भी यादवों में एकता नहीं रहेगी। अभी बेटा इलेक्शन हुए 2017 के, मुझे गांधारी का श्राप याद आ गया, तुम देख नहीं रहे अखिलेश यादव, देख रहे हो ना, अखिलेश यादव अपने अलग लाइन में चल रहे थे, मुलायम सिंह नहीं रहे, आत्मा को शांति दे भगवान, मुलायम सिंह बेचारे तो वृद्ध ही हो गए थे, शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बना दी, कुनवा में ही सब प्राइम मिनिस्टर निष्ठर थे, फिर भी दोनों क्या हो गए, अलग अलग, इनमें कभी बनी नहीं, शायद मुझे लगा गांधारी का श्राप काम कर रहा है अभी तक। और तीसरा किसको श्राप दिया था, शकुनी को, बोले भैया है तो अपने घर का, बोले भैया है ना, जैसे तूने मेरे राज्य में हमेशा झगड़े की जड़, सबसे बड़ी जड़ तो तू था, जैसे हमारे यहां कभी शांति नहीं रही, तेरा जो गांधार क्षेत्र में इसमें कभी शांति नहीं रहेगी, तीनों को उदाहरण देख लीजिए, ये श्राप गलत नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी द्वारका, आधी से ज्यादा डूब चुकी है समुद्र में, खत्म होने वाली है, कुछ नहीं बचा, सही कहा था यदुवंशियों में, मैंने बता दिया अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और जितने भी यादव हैं, कभी कभी कम बनती है, बुरा मत मानना, अब कहा तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और तीसरी गांधार क्षेत्र कौन सा है, अफगानिस्तान, गांधार क्षेत्र कौन सा है, अलकायदा, ISIS, इंडियन मुजाहिदीन, ये सबसे ज्यादा आतंकवादी कहां है वर्तमान में, शांति रहती है कभी,
जहां हम दीपावली पर पटाखे चलाते हैं ना, वो इतनी बारूद तो एक दिन में फूंक देते हैं बिना बात के, बिना बात के। कुछ कोई एक दिन वहां जब वहां जाएंगे ना तुम अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में एक पर्वत है, हिमालय का ही एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं हिंदू कुश पर्वत, वहां पर एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी। सोचिए, जो शांति के प्रतीक थे, स्टैचू था उनका, उनके भक्तों ने कभी पुराने समय में हिमालय पर, जैसे मान लीजिए बताता हूं सुनिए, जैसे ये हिमालय पर्वत है, ऐसे हिमालय पर्वत, और इस हिमालय पर्वत को काट कर किसी व्यक्ति ने कितने अच्छे से यहां पर ऐसे महात्मा बुद्ध की क्या बना दी थी, स्टैचू बना दिया था, मूर्ति पर्वत पर ही बना दी थी। अब यहां पर अलकायदा और इनका सबका राज हो गया, जो आतंकवादी संगठन है यहां पर इनका राज हो गया, और इन्होंने देखा हमारा राज्य तो मुस्लिम राज्य है और यहां महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं। और देखो भाई साहब, बिना बात के एक तरफ से तमाम अपने आतंकवादियों को खड़ा कर दिया और महात्मा बुद्ध में गोलियां बरसा दी, मतलब बिना बात के। अरे महात्मा बुद्ध बेचारे चुपचाप खड़े थे, शांति के प्रतीक हैं, दुनिया को शांति देते हैं, और इन पर इतनी गोलियां बरसाई कि पूरे बॉडी में ना छेद करके डाल दिया भाई साहब इन्होंने। अब सोच कर देखिए, वो इतनी बारूद तो ऐसे फेंक देते हैं, कभी देखा तुमने अफगानिस्तान में शांति होते हुए, कभी शांति नहीं रहती, ये वही श्राप चला रहा है। इसलिए श्राप से हमेशा बचा करो, कोई श्राप ना दे दे, और विशेष कर ध्यान रख लेना मेरे श्राप से तो बची जाना तुम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनिए अब यहां से। कुल मिलाकर बात यह हुई कि ये दौड़ा दौड़ा कहां पहुंच गया, गांधार क्षेत्र, पीछे से एक बड़ी सेना लेकर, वहीं आइए टॉपिक पर, पीछे से बड़ी सी सेना लेकर पहुंच गया चंद्र द्वितीय, जाकर शकों से युद्ध लड़ डाला, एक भयंकर युद्ध हुआ, जो शक भारत में आकर इसको हराकर गए थे, किसको, रामगुप्त को, वहीं चंद्र द्वितीय ने एक भयंकर युद्ध लड़ा, इतना विध्वंसक युद्ध हुआ कि चंद्र द्वितीय, जिसे कोई अनुभव नहीं था राज्य का ना युद्ध लड़ने का, जो सिर्फ शिक्षा में अध्ययनरत थे, अपनी स्टडी कर रहे थे कहां पर, बौद्ध धर्म के बारे में, वो शांति के प्रतीक माने जाते हैं चंद्र द्वितीय भी, वो महात्मा बुद्ध के ही आदर्शों पर थे, लेकिन बात जब राष्ट्र की आ गई थी तो हिंसा तो करनी ही पड़ती, और सकराज को बुरी तरह पराजित किया, सिर्फ सकों को पराजित नहीं किया, सकराज की हत्या कर दी और अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी को वहां से छुड़ा लिया। इसलिए गर्व की बात हुई भारत के लिए। उन्हें छुड़ाकर जैसे ही लौट कर आए अपने राज्य में, साम्राज्य में वापस आए, वहां विद्वानों ने बड़ा स्वागत किया, तमाम प्रकार की मेवा से लेकर तमाम फूलों से लेकर हारों से लेकर इनका स्वागत किया, एक गौरव लौट आया था। राजा हुआ, राज्यभिषेक हुआ, जैसे ही चंद्र द्वितीय का राज्यभिषेक हुआ, इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था विक्रमादित्य। किसकी उपाधि धारण की, अब इनका पूरा नाम क्या हो गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कोई दिक्कत है यहां तक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक बने। जैसे ही विक्रमादित्य शासक बने, अब जो ध्रुव स्वामिनी थी वो तो बेचारी अकेली अकेली बैठी रहती थी, चंद्र द्वितीय से बोला वो कहां है महाराज, कहां है, बोले वो तो गए, कहां गए, बोले पहुंचा दिए, वहां पहुंचा दिए कन्हैया जी के पास, वो नहीं रहे, अब उन्हें हम क्या करेंगे, बेचारी अकेली बैठी रहती थी, क्या कहे, देखा ना जा रहा था विक्रमादित्य। जितने भी विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करिए विक्रमादित्य, तुम इनसे विवाह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, हाँ हाँ, कोई हंसी की बात नहीं है इसमें, याद रखिएगा, जो ध्रुव स्वामिनी थी, यानी कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इनका पहला विवाह, पहला कह रहा हूं ना मैं, तो दूसरा भी हुआ होगा आगे जाकर, जब मैंने पहला कह दिया ना तो इसका मतलब क्या है, हाँ, राजा ऐसे ही होते थे भारत में, देखो एक एक नहीं हो पा रही है, हाँ उस समय ये दो दो कर लेते थे। इनका पहला विवाह किसके साथ हुआ, ध्रुव स्वामी ने, हाँ भाई अपने ऊपर कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, हाँ वही बात है ना, कौन सी एसएससी की तैयारी करनी थी, इन्हें कौन सा सीजीएल देना था, बस राज्य मिल गया, स्वामी बन गए, अब हमारे सर हैं खूब तैयारी करते रहते हैं, देखो दिन रात बेचारे क्या करें। अब ठीक है, देखो अब देखो बेटा, इधर देखो, कुल मिलाकर बात ये थी कि विक्रमादित्य शासक बने, इनका पहला विवाह किसके साथ हुआ, किसके साथ हुआ, ध्रुव स्वामी, पहला विवाह ध्रुव स्वामी के साथ हुआ। और इनका दूसरा विवाह जो हुआ ना बेटा, एक नाग कन्या थी, कौन सी कन्या थी, हाँ विष कन्या थी, बिल्कुल एक कन्या थी नाग कन्या, जिसका नाम था कुबेर नागा, क्या नाम था, हाँ नाग तो नाग ही होते हैं यार, हंसने क्या बात है, एक नाग कन्या थी जिसका नाम था कुबेर नागा, यानी इनका सेकंड मैरिज, दूसरा प्रेम जो हुआ वो किसके साथ हुआ, कुबेर नागा के, इन्हीं के, याद रखना जो कुबेर नागा थी, इन्हीं के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिस पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त, अभी तो मैंने बताया था, और प्रभावती गुप्त
चंद्रदूत इतने समझदार थे कि साउथ इंडिया में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को अच्छे से एस्टेब्लिश करने के लिए इस प्रभावती गुप्त का विवाह कर दिया। एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था वकाटक वंश। कौन सा वंश था? वकाटक वंश के एक शासक हुआ करते थे रुद्रदामन। क्या नाम था इनका? यानी इनका विवाह जो कर दिया तो याद रखना रुद्रदामन के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया? रुद्रदामन के साथ। अब चंद्रदूत द्वितीय जो हुआ करते थे बहुत अच्छे से शासन कर रहे थे, सब लोग खुश हुआ करते थे। जब इन्होंने शकों को जीता था ना बेटा, शकों को जीता था, तो शक विजय में इन्होंने मेहरौली में दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनवाया था। मेहरौली में क्या बनवाया था? लौह स्तंभ। बहुत अच्छे से प्रश्न आते हैं, याद रख लेना। कौन सा स्तंभ बनवाया था? मेहरौली में एक लौह स्तंभ बनवाया था। और याद रखिएगा ये उस समय का है, मेहरौली में लौह स्तंभ कितना पुराना हो गया रे, चौथी सदी का है, फोर्थ सेंचुरी, चौथी सदी का है। आज कौन सी सदी चल रही है? 21वीं, 21 सेंचुरी चल रही है। कितनी सेंचुरी हो गई? 17 सेंचुरी का मतलब है, 17 सेंचुरी का मतलब है 1700 साल। कितने ईयर हो गए? 1700 साल पहले का है। और खास बात इस स्तंभ की, आज तक इस पर जंग नहीं लगी है, आज तक जंग नहीं लगी। लोहे का है और आज भी ये यहां पर है। कहां पर? मेहरौली में है। ऐसे के ऐसा ही है, इस पर आज तक जंग नहीं लगी। कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न पूछ लेता है कि मेहरौली में स्थित जो लौह स्तंभ है इस पर किस न किसका नाम अंकित है, और इसका नाम जो है वो क्या है? चंद्र। नहीं, सिर्फ क्या नाम लिखा हुआ है? चंद्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चंद्र। ऐसा माना जाता है विक्रमादित्य ने जब शकों को पराजित किया था इसकी याद में इसने मेहरौली में लौह स्तंभ बनवाया था, बिल्कुल कुतुब मीनार के जस्ट सामने है। इस बात का भी तुम्हें याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें, हाँ जी, साइंस फेल है। साइंस तो बहुत चीजों में फेल है, साइंस तुम पर भी फेल है। फेल है मानो। सुनो देखो दूसरी बात, इसके अलावा सब कुछ सही से चलता रहा। चंद्रो द्वितीय जो हुआ करते थे इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। कितने रत्न रहा करते थे? इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। इससे पहले कनिष्क के दरबार में थे ना बेटा, इनके दरबार में भी नवरत्न रहा करते। तो नवरत्न ना वास्तव में अगर सबसे अच्छे नवरत्न किसी के दरबार में थे तो वो विक्रमादित्य थे। इनके दरबार में आर्यभट्ट रहा करते थे। कौन रहा करते थे? आर्यभट्ट। जानते हैं आप आर्यभट्ट के बारे में? एक महान विद्वान थे आर्यभट्ट, भारत का गणितज्ञ एवं खगोलविद कहा जाता है आर्यभट्ट को। शून्य का जनक, फादर ऑफ जीरो किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को। अरे ये तो वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले बताया था। लोग पता है पहले क्या मानते थे? लोग पहले पृथ्वी को सेंटर मानते थे, केंद्र मानते थे, और कहते थे पृथ्वी स्थिर है और सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा। वैसे तुम भी मानते हो कि सूर्य पहले यहां निकला था, अब यहां पहुंच गया, वो ऐसे घूम के पहुंचा है, घूम रहा है। नहीं, ये पहले व्यक्ति थे, इन्होंने सूर्य को सेंटर माना था, केंद्र माना था, और क्या कहा कि पृथ्वी इसका क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है इसका, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन अपने जो इस कंसेप्ट था इसे प्रूफ नहीं कर पाए थे ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसे कॉपरनिकस ने और केपलर ने, इन्होंने इसे सिद्ध कर दिया, थ्योरी नहीं की थी। लेकिन शून्य का जनक किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जैसे विद्वान रहा करते थे इनके दरबार में। इसके अलावा देखें, इनके दरबार में एक व्यक्ति थे बैताल भट्ट। क्या नाम था इनका? कभी नाम सुना है बैताल भट्ट का? जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे कहानियां की एक किताब आती थी, उसमें आता था विक्रमादित्य और बैताल की कहानियां, बैताल और विक्रमादित्य। ये वही बैताल भट्ट है, इनके दरबार में रहा करते थे। इन्हीं के दरबार में भारत के एक महान व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था कालिदास। कौन रहते थे? कौन नहीं जानता रे कालिदास के बारे में? थोड़ी देर रुकिएगा, कालिदास के बारे में और बताता हूं, फिर हम उसके बाद तुम्हें लिखवाएंगे, ठीक है? सुनो, कालिदास कौन थे? कालिदास बहुत अच्छे से तुम्हारे सिलेबस में भी है, तो हमें अच्छे से ही पढ़ना चाहिए ना, इसमें हम कोई परहेज नहीं करेंगे समझाने में। सुनिए ध्यान से, कालिदास नवरत्नों में ही शामिल थे और भारत के अच्छे साहित्यकार रहे हैं कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। एक व्यक्ति है ना विलियम शेक्सपियर, पूरी दुनिया में नाम कमाया उन्होंने। जब हम 12वीं 10वीं में पढ़ते हैं तो किताबों में विलियम शेक्सपियर की जैसे विलियम शेक्सपियर ने ना पूरी दुनिया को प्रेम का आयना दिखाया है। पूरी दुनिया में प्रेम की सबसे अच्छी कविताएं और कहानियां किसने लिखी हैं? विलियम शेक्सपियर ने।
जब वो विसेंट स्मिथ जो इतिहासकार ना वो भारत आया और उस समय विलियम शेक्सपियर बड़ा छा रहा था दुनिया में, जब जब वो अपनी किताबें लिखता था तो दुनिया उसे नाम से याद करती थी कि वास्तव में अगर कोई कहानी लिखना जानता है तो वो विलियम शेक्सपियर है। बड़ा नाम था विलियम शेक्सपियर का। विसेंट स्मिथ भारत आया और उसने भारत के इतिहास को देखा और जैसे ही कालिदास को पढ़ा और कालिदास की जो रचनाएं थी उन रचनाओं को पढ़ाना तो एकदम मदमस्त हो गया। उसने कहा तुम किस शेक्सपियर की बात कर रहे हो, ऐसा शेक्सपियर तो बहुत समय पहले कहां जन्म ले चुका है, भारत में। इसीलिए विसेंट स्मिथ ने कालिदास को किसकी उपाधि दी थी, भारत का शेक्सपियर जो कहा था वो किसने कहा था, विसेंट स्मिथ यानी किसने कहा था, वी स्मिथ ने। ऐसा क्या है कालिदास में, थोड़ी सी इनके बारे में बात करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ना, कालिदास ऐसे ही सकल से थे, जैसा नाम है वैसा ही काम था, वैसे ही चेहरा था कालिदास। कालिदास फुल ब्लैक थे, बढ़िया वाले जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, हाँ जेड ब्लैक वाले, यानी फुल ब्लैक थे, यानी काले भी थे और काले होने के साथ साथ महान मूर्ख थे। कैसे थे, दो चूड़ी कम थे, यहां से थोड़ी नेगेटिव में चल रही थी राउंड टेबल में। महान मूर्ख हुआ करते थे कालिदास, इतना बड़ा विद्वान कैसे बन गया समझिए। कालिदास महान मूर्ख हुआ करते थे, घर में मम्मी रहती थी बस, वो भी वृद्ध थी। कालिदास का अपने जीवन का बस एक ही काम था, पता है क्या काम था, सुबह जाते थे जंगलों में जाते थे, लकड़ी काटते थे, बाजार में जाते थे, बाजार में बेचते थे, जो कुछ भी भोजन सामग्री मिलती थी माताजी को खिलाते थे, खुद खाते थे और आराम से पूरे दिन रहते थे। दुनिया में तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक सबसे माइंडेड जो सबसे ऊपर होते हैं, एक मीडियम वर्ग के जैसे हम और तुम हैं, और तीसरे सबसे नीचे। खुश दो ही तरीके के रहते हैं, या तो सबसे ऊंचा या सबसे मीडियम वाला तो कहता है मैं उस ऊपर वाले को पकड़ूंगा, वो हाथ आता नहीं और नीचे गिनना चाहता नहीं है, बीच में ही लटका रहता है, खिंचता रहता है। और जो सबसे ऊपर बैठा है वो तो है ही सबसे बड़ा, और जो सबसे नीचे है ना वो मस्त रहता है। भाई साहब तुमने देखा नहीं गांव के आदमी को, जो गांव में थोड़ा सा यहां से कम होता है ना, कम होता है, उसे अपने खेत से मतलब होता है, सुबह 4 बजे जगेगा, खेत जाएगा, अपने पशुओं के लिए चारा लाएगा और तुरंत आएगा, इतना मठा छाछ पिएगा और आराम से पूरे दिन सोएगा। पूरे दिन नहीं सोता बताओ तुम, और फिर शाम हुई अपने फिर पशुओं का काम किया, फिर दूध पी के फिर पूरे दिन अपनी रागनी चलेंगी, मस्त रहेगा, कहां से लेना कहां से देना कोई मतलब नहीं। और तुम थोड़ी सी टी शर्ट फट जाए, अरे यार कौन क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। तुम देखते हैं ये जो बड़े एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर होते हैं, ये कैसे भी कपड़े पहन ले, कैसे भी उसी में अच्छे लगते हैं और हम उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। भाई साहब जींस फट रहा है यहां से देख रहे हो, कहीं से कुर्ता फट रहा है, कुछ भी फट रहा है, और वो लोग सेलिब्रिटी हैं, वो कुछ भी पहन लें उनकी फैशन बन जाती है, और यहाँ थोड़ा सा गंदा हो गया, थोड़ा सा फट गया, लोग क्या कहेंगे, हम यही सोचने लग जाते हैं। कालिदास ऐसे थे जो महान मूर्ख थे, किसी से कोई मतलब नहीं था, अपना मदमस्त रहते थे। उसी समय एक बड़ी घटना इनके समय घटित होती है जहां से कालिदास एक महान विद्वान बने। कालिदास के जीवन में एक बड़ी घटना घटित हुई, वो क्या है, उससे पहले देखिए एक राजा हुआ करते थे, राजा भोज। कौन से राजा थे, राजा भोज की एक पुत्री थी जिसका नाम था विदोमिता। राजा भोज की पुत्री का नाम क्या था, विदोमिता। विदोमिता भी सुंदरी होंगी, जब रानी थी तो राजकुमारी तो सुंदरी होती है। विदोमिता थी, राजा भोज इस बात से परेशान थे कि विदोमिता के लिए वर ढूंढ रहे थे, वर मतलब दूल्हा ढूंढ रहे थे। वर समझ आता था तो और चीजें समझ नहीं आती थी, राजा को तो समझ में आ जाता था लेकिन राजकुमारी को नहीं आता था। खूब वर ढूंढा, वर मिल ही नहीं रहा था। राजा भोज ने कई बार स्वयंवर करा दिया। स्वयंवर जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते, तुम जानते ही नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनो ना थोड़ा सा। स्वयं अभी नहीं समझे, स्वयंवर का मतलब है अपना वर स्वयं ढूंढना, है ना, क्या प्रथा थी रे, है ना। अब ये था स्वयंवर, जहां पिताजी आज्ञा देते थे। कई बार स्वयंवर आयोजन कराया, विदोमिता जाती थी, वर राजा बैठे रहते थे, बोले जाओ देखो, इस राजा की तरफ देखा, इस राजा की तरफ देखा, आगे गए इसकी तरफ, ये तो काला है, और आगे देखा, नहीं ये सही, यार उन्हें वर ही नहीं मिल रहा था। राजा भोज इतने परेशान हो गए, गुस्सा आ गया और कहा रथ ले, सेना ले, इस पूरे भारत में, पूरी दुनिया में तुझे कहीं भी वर मिल जाए ना, शादी करके ही वापस आना।
विदोमिता ने कहा ठीक है हम अपने आप कर लेंगे। उसे क्या पता था हमारा भाग्य कहां लेकर जा रहा है। बस फिर क्या था, देखो भाई अब हद करेंगे, ये ना करते ही रहेंगे फोन। अब हुआ क्या देखना, अब चल दिए वो रथ को लेकर जा रहे हैं। आधे से भारत में घूम लिए लेकिन वर नहीं मिल रहा, कहीं भी दूल्हा नहीं मिला। चलते जा रहे थे, सोचो थोड़ा फील करो, जब तक महसूस नहीं करोगे इतिहास याद नहीं होगा। सोचकर देखिए कि ये तुम्हारा गांव है, इतना बड़ा गांव है, इस गांव के पास से ना एक नहर जाती है, बंबा जाता है बढ़िया सा। हाँ बंबा जा रहा है यहाँ के, क्या जा रहा है, एक बंबा जा रहा है। बंबे पर एक पटरी होती है ना ऐसे, मैं बिल्कुल अपने गांव की फीलिंग बता रहा हूँ तुम्हें। यहाँ होकर क्या जा रही है पटरी, इधर गांव है, इस पटरी पर क्या होगी, मिट्टी होगी, रेत ज्यादा होगा, इस पर रेत बहुत ज्यादा है। सोचिए कड़ी धूप पड़ रही है, अभी जैसा महीना चल रहा है वैसी ही धूप है, खूब धूप पड़ रही है। महारानी रथ में बैठी है, धूल उड़ रही है, पूरी फेस वॉश पर लग रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, पाउडर लगता जा रहा है, जा रही है। और यहीं पर इस पटरी के किनारे क्या मिल गया, एक बगीचा, क्या मिल गया, एक बगीचा। रानी जा रही थी, गर्मी लग रही थी, बगीचा मिल गया। उन्होंने कहा ये दोपहर का जो समय है ना हम यहीं काटेंगे। सारथी से कह दिया, अब क्या ही करें, एक मिनट रुकना भाई। देखो बेटा अब क्या हुआ, हुआ सुनिए, वहीं से सुनिए, अब क्या हुआ, गर्मी पड़ रही थी बहुत तेज, मुझे भी तो आ रहा है ना पसीना, ऐसे ही पसीना आ रहा होगा बहुत तेज। गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी, विदोमिता ने कहा ना अब तो हम यहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए इस धूप को यहीं काटेंगे, शाम को होकर फिर देखेंगे कोई राजा मिलेगा कहीं, वहां जाकर विवाह करेंगे। बस अपनी गाड़ी रोक दी, यहीं पर गए। अब देखना बेटा, अब यहां से कालिदास की एंट्री होगी इस कहानी में। मान लीजिए ये वृक्ष है, आता तो नहीं हमें बनाना, ये मान लीजिए वृक्ष है ऐसे, इस वृक्ष की एक शाखा है ऐसे जा रही है, ये जो वृक्ष की एक शाखा है। अब जो विदोमिता थी वो इस बगीचे में आई, अंदर जैसे ही बगीचे में आई, पहले मोहब्बत बगीचे में ही हुआ करती थी बेटा, हाँ कन्हैया जी की, राम जी की, सबकी वहीं पर हुई थी। जैसे ही यहां पर आई और यहां पर आई, देखो अब देखो इधर, देखो इधर हमारी तरफ, यहाँ कालिदास बैठे हैं, यहाँ कौन बैठे हैं, कालिदास यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं कालिदास, और भाई साहब वृक्ष को यहीं से काट रहे हैं। तो समझ में आ रही है तुम्हारी, इसे कहते हैं बुद्धिमता, क्या कहते हैं, देखो सर देखो एक मिनट देखो, कालिदास बैठे ये रहे, यहाँ कालिदास बैठे हैं, और काट कहां से रहे, यहां से काट रहे हैं, इससे बुद्धिमान कोई हो सकता है। देखो भाई साहब सुनो, अरे क्या हो गया, छोड़ो हैंग हो रहा है, यानी कि मान लीजिए ये वृक्ष की डाली है, ये वृक्ष की डाली है, और वो यहां पर बैठे हैं यहां पर, और यहीं से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। विदोमिता भी वहीं जाकर बैठ गई, सौभाग्यवती थी बेचारी, जाकर उस पेड़ के नीचे बैठी तो ऊपर आदमी काटने लग रहा है, कट 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 कर रहा है, और उल्टा काट रहा है। विदोमिता ने ऊपर देखा, हो क्या रहा है भाई, ऊपर देखा तो एक आदमी है, धुआंधार लग रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, काटे जा रहा है, ऐसा आदमी ना लगा ही रहता है, जब तक कटेगी नहीं जब तक हटूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आदमी काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, धुआंधार काटे जा रहा है। विदोमिता ने कहा सुनिए, उसे कोई मतलब नहीं है, फिर काटे जा रहा है, अरे सुनो तो सही, फिर भी काटे जा रहा है आदमी, बोले सुनो ना, तो प्यार से जो बोलते हैं, बोले सुनो ना, एकदम दिमाग में जैसे ही बात गई ना, नीचे देखा, हाँ मदा कौन, ऐसे तो होते हैं, यहाँ से कम होते, बोले हाँ बता, बोले उतर कर आइए ना, बोले ना तू का, बोले आओ तो, बोले ना आए, नहीं आ रहे, अरे उतर के तो, बोले नहीं आएंगे। अब तुम्हें पता है जब गांव में, पता है मैंने देखे हैं बहुत से लोग जो बेचारे थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उन पर काम बहुत कराते हैं,
काम कब कराते हैं, बोले तेरी शादी कराएंगे। और वो आदमी खुश हो जाता है, शादी के नाम पर अनपढ़ आदमी सबसे ज्यादा खुश होता है। पढ़ा लिखा तो समझता है कि आफत है, लेकिन अनपढ़ आदमी जरूर समझ जाता है। उसने कहा शादी करोगे, क्या बात कर रही है, बोले शादी बोले शादी करोगे, बोले किससे, बोले हमसे। भाई साहब देखो कहां राजा भोज, अरे तभी तो कहते हैं कहां राजा भोज की पुत्री नहीं थी ये, कहां राजा भोज कहां गंगू। उसने देखा अपनी तरफ फुल ब्लैक, उधर देखा सफेदी की चमगादड़, सुंदर थी बहुत सुंदर थी। बोले हम शादी, हमसे शादी, बोले हाँ। आदमी ऊपर से कूद पड़ा, बोले हाँ बता राजीव। बोले सच में शादी करोगे, तुम्हारी शादी हुई है, बोले ना बिल्कुल ना हुई। बोले करोगे, हाँ करेंगे, कब करोगी बताओ कब करोगी। रवि बोले चलो, पता नहीं विदोमिता को क्या हुआ, कौन सा दिमाग था उसमें, क्या देखा, क्या करूं अब कभी कभी ना पसंद पर दुख होने लग जाता है, लड़कियों की कैसी पसंद हो जाती है। बस फिर क्या था, विदोमिता को पता क्या नहीं क्या हुआ विदोमिता को। और ये अवतार होते हैं कुछ नहीं होते, ये जो विदोमिता थी इसने किसके साथ विवाह कर लिया, हम भी करा देते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं शादी में, किसके साथ, कालिदास। किसके साथ हुआ, कालिदास, कालिदास के साथ विवाह हो गया। राजा भोज ने मना किया, बोले तुमने कर क्या लिया, बोले नहीं हमें तो यही पसंद है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो हम शादी इन्हीं के साथ करेंगे। कालिदास के साथ विवाह कर लिया। राजा ने कहा महल देंगे, दुमहला देंगे, यहीं पर रहिए। बोले नहीं रहना, हमारे जो नसीब में है वही होगा। इतनी पतिव्रता निकली कि उसके साथ झोपड़ी में ही रहा करती थी, एक माँ थी, एक वो थी और एक कालिदास, तीन रहते थे, कोई मतलब नहीं था। अपने पति के साथ जाती थी जंगलों में, लकड़ी काटकर लाती थी, बेचती थी और बड़े परिवार को अच्छे से चला रही थी। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, कालिदास ना आलसी होते जा रहे थे, बुद्धिमान तो पहले से ही ज्यादा थे, अब आलसी हो रहे थे, इतने आलसी हो रहे थे। उसने कहा चलो ना वहां चल रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, तू जा, टाइम नहीं अपने पास, कुछ नहीं करेगा आदमी पूरे दिन, टाइम नहीं है। पतिव्रता थी बेचारी गई, कई दिन हो गए, उन्हें रोज कहे तुम क्यों नहीं जाते, अब तो हर आदमी सुबह नहाए धोए पूजा पाठ करे और खाए पिए और चक्क सोए। कालिदास आराम से रहते थे, इतने आलसी हो गए कोई मतलब नहीं। ये बात उनकी माँ को बुरा लग करती थी, माँ रोज कहती थी वो अकेली जाती है, तू जाता नहीं है, ये है पागल हो रहा है, हरामी हो रहा है, बदतमीज हो रहा है, जितनी भी जो माता जी होती है ऐसी कहती है, ऐसी माता जी कह रही थी। एक दिन तो ऐसी हद पार हुई कि वो विदम्यता को मारने लग गए। विदोमिता फिर भी कुछ नहीं कहती थी, और हद तब पार हुई कि उन्होंने अपनी माताजी पर भी हाथ छोड़ दिया। कालिदास ऐसे थे, माताजी पर हाथ छोड़ दिया, अब विदोमिता को सहन नहीं हुआ, दरवाजे के बाहर खड़ा किया और लात मार दी। बोले आज के बाद ना यहाँ देख मत जाना, अगर ऐसी लात से आदमी सुधर जाए ना तो सब में लगनी चाहिए। कालिदास की जैसे ही लात पड़ी, कालिदास बाहर गिरे, कालिदास का अब कालिदास का जन्म होता है। वो आत्मा जो थी ना, मैंने कहा ना दिमाग सबके अंदर होता है, बस कौन प्रयोग करेगा वो अलग बात है। कालिदास को इतना अपमान हुआ, इतना अपमान हुआ, उसने कहा अब देख तू ही देखना कि मैं क्या हूं, निकल गए। सोचो जो आदमी इतना निष्ठुर था, एक आदमी ऐसा व्यक्ति था जो अनपढ़ था, महान मूर्ख था, जिसे एक शब्द लिखना नहीं आता था, वो इतनी तपस्या करता है, वो चला जाता है गुरुओं के पास जाता है, इतनी मेहनत करता है, इस कठिन संस्कृत को सीखता है, और सिर्फ संस्कृत नहीं सीखी, महाकाव्य लिख कर डाल दिए। इतने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, इतने बड़े बड़े महाकाव्य जिन्हें आज भी हम इतने साल पहली बात, लगभग 1500 साल पहली बात को आज भी हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कालिदास नहीं थे। सभी महाकाव्य लिख डाले, और सभी के सभी महाकाव्य पता है कौन सी सब्जेक्ट पर थे, जिसके मारे हुए थे, प्यार। किस पर थे, पूरे, हमारा तो यही ज्यादा प्रेम कर रहा है आज, किस पर थे, पूरे के पूरे जितने भी इन्होंने ग्रंथ लिखे, महाकाव्य लिखे, सब प्रेम पर आधारित थे। एक से एक महान कृति लिखी। उस समय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ करते थे, जब कालिदास का नाम सुना तो इन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया और नवरत्नों में शामिल हो गए। नवरत्नों में शामिल हुए, इन्होंने तमाम पुस्तकें लिखी थी जो महाकाव्य के रूप में जाने जाते हैं। इनकी सबसे फेमस पुस्तक है, सबसे ज्यादा जो फेमस पुस्तक है इनकी, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे फेमस पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी एक दूसरी पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है मेघदूत वर्णनम। कौन सी है, मेघदूत वर्णनम। एक तीसरी पुस्तक है इनकी रघुवंश नाथम। कौन सी है, रघुवंश नाथम। ये सब, और सुनो ये जितनी भी पुस्तकें इन्होंने लिखी ना, जितनी भी लिखी सब पूर्णतः संस्कृत में, और वो संस्कृत जो तत्सम है, वो संस्कृत जो सबसे कठिन है, वो संस्कृत
जिसमें वेद लिखे गए थे और वेद सबसे कठिन संस्कृत में लिखे गए थे, उस कठिन भाषा में इन्होंने अपने महाकाव्य लिखे। सबसे फेमस जो पुस्तक है वो कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो इन्होंने थोड़ी सी बताता हूं इसमें क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है इन्होंने, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत महान प्रतापी राजा हुआ करते थे। एक बार ना शिकार करने के लिए चले गए, जंगलों में जा रहे थे। अच्छा उस बार ना, पहले एक बात तो तुमने देखी होगी कहानियों में, पहले राजा रास्ता जरूर भटकते थे, नहीं देखे तुमने? हर कहानी में रास्ता भटक ही जाते थे। ऐसे ये राजा थे, रास्ता भटक गए रास्ता। और जैसे ही रास्ता भटके, भटकते भटकते पहुंच रहे थे, भूख लग रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक से वहां एक ऋषि आश्रम दिखाई दिया। प्रेम की बात है, प्रेमी लिखेंगे इसमें। ऋषि आश्रम दिखाई दिया, वहां ऋषि जो आश्रम था वहां कोई नहीं था, एक ऋषियों की कन्या थी बस, जिसका नाम था शकुंतला। क्या नाम था उसका? शकुंतला था। शकुंतला की सौंदर्यता भी बहुत ज्यादा थी। ये प्रभावित हुए, दोनों में प्रेम हुआ। उन्होंने कहा, शकुंतला हम तुमसे आएंगे विवाह करने के लिए। जब वो वापस जा रहे थे तो अपने हाथ से अंगूठी निकाली और शकुंतला को दे दी, बोले तब तक ना इसे अपने पास रखिएगा। हाँ, रिंग सेरेमनी का पागल इंसान। वो अंगूठी जाकर दे दी हाथ में किसके? शकुंतला के। शकुंतला ने जैसे अंगूठी ली, महाराज चले गए। अभी देखो शकुंतला को, उस अंगूठी को ही देखती रही बस। अब उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहीं पर महाराज खड़े हैं, बस उस अंगूठी को देखे ही जा रही है। जैसे सभी साधु संत लौट कर आए जंगल से, तो पहले जैसे ही साधु आते थे ना, तो उनकी सेवा करती थी, उन्हें पानी पिलाती थी, उन्हें बिठाती थी, आसन डालती थी, भोजन कराती थी। अभी साधु आ गए, सब आकर बैठ गए, वो अपनी अंगूठी से ही नजर नहीं हट रही है। उस अंगूठी को देखे ही जा रही है। साधुओं को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था, साधुओं को गुस्सा आया, साधु समझ गए थे, बोले कौन सी लव स्टोरी में पड़ी हुई है ये। और जैसे ही गुस्सा आया, साधुओं के पास हमेशा देखो भाई सब जल नहीं देखे गए हैं, ये रहा। बस क्या होता था? कमंडल होता था, बस क्या लिया? जल लिया ऐसे, और शकुंतला के ऊपर फेंक कर मार दिया, श्राप दे दिया। हे कन्या, ऐसे तो देते थे, हे कन्या तू जिसके ख्वाबों में खोई हुई है ना, वो तुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। सोच कर देखो रे, जैसे श्राप हुआ ना, शकुंतला डर गई, बहुत प्रेम करती थी, इतना ज्यादा डर गई। अच्छा, श्राप की एक अच्छी बात अच्छी और हुआ करती थी कि अगर तुम उनके पैर पकड़ लो ना जिसने दिया है, वो एंटीडोट भी दिया करते थे, दवा जरूर देते थे। वो कहते थे, अच्छा तुझे वास्तव में अगर इसका पश्चाताप करना है तो इतने दिन बाद वो होगा, तेरा श्राप छूट जाएगा। अच्छी बात ये थी, ऐसा नहीं आज की तरह 1K47 4-5 लग गई तो काम खत्म हो गया। श्राप ही होना चाहिए भाई साहब, माफी मांग लो, हट जाएगा कुछ समय बाद। चरणों में गिर गई, बोले महाराज ऐसा मत करिए, हे साधु मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की है, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तब महाराज थोड़े संतुष्ट हुए, थोड़े से शांत हुए और बोले, क्या? बोले, हे शकुंतला सुनो, अगर तुम्हें अपने पति को पाना है, उस पति की याददाश्त चली गई, अब वो लौट नहीं रही, अगर तुमने राजा को ये अंगूठी जाकर दिखा दी तो उसकी याददाश्त क्या हो जाएगी? वापस। शकुंतला बड़ी खुश हुई, बोले दिखा ही देंगे। वहां राजा भूल चुके थे सब कुछ, याददाश्त एकदम गायब, मेमोरी डिलीट वहीं से। अब ये जो शकुंतला हुआ करती थी, दिन रात मेहनत करती थी, बस इस इंतजार में थी कैसे भी राजा से मिले और उससे अंगूठी दिखाएं। एक दिन तालाब से पानी लेकर आ रही थी, और जब पानी के लिए जैसे उसने मटका नीचे किया और ये अंगूठी गई, और अंगूठी निकलकर कहां गिर गई? तालाब में। जैसे अंगूठी तालाब में गिरी, अब इतना बड़ा तालाब से खूब ढूंढा, पूरे दिन ढूंढा, अंगूठी मिली ही नहीं। अब बिना अंगूठी के महाराज कैसे पहचानेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब क्या करे? रोती रही, लेकिन अब रोने से हो क्या रहा था? लेकिन प्रेम सच्चा था। वो होता है ना, ट्रुथ लव ऑलवेज कम बैक, है ना, सच्चा प्रेम हमेशा लौट कर आता है। बस यही हुआ था। ईश्वर ने भी अच्छा सोचा, और ईश्वर ने पता है क्या किया? वो जो अंगूठी थी ना, वो मछली के मुंह में चली गई। किसके मुंह में चली गई? और मछुआरों ने मछली पकड़ी, और वो मछुआरे राज दरबार से थे, और वो राजा के दरबार में कटने के लिए चली गई, बनने के लिए मछली। वहां मछली को काटा जा रहा था, जो हलवाई होते हैं, वो रसोईया जो होते हैं, वो मछली को काटकर भोजन बना रहे थे, और जैसे ही मछली को काटा, उसमें से क्या निकली? अंगूठी। और उस अंगूठी पर राज की अंगूठी थी, राज्य चिन्ह था उस पर। उसने कहा, ये तो महाराज की है, और पहले
राज्य की एक वस्तु चुरा नहीं सकते थे, बहुत बड़ा दंड हुआ करता था। वो डर गया और उसने जाकर राजा के हाथ में दे दी, बोले लीजिए महाराज ये तुम्हारी अंगूठी मिली है। और जैसे ही महाराज ने अंगूठी देखी सब कुछ क्या हो गया, जैसे ही सब कुछ याद आया बस घोड़ा दौड़ा और तुरंत बारात लेकर गए और जाकर किससे विवाह कर लिया, शकुंतला से विवाह किया। और जैसे ही शकुंतला से विवाह हुआ इन्हीं के दोनों के, शकुंतला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ भरत। क्या नाम था इसका, इसका नाम क्या था, भरत था। और इसी भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा, भारत। ये हमें जानकारी कहां से मिलती है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसीलिए कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर। समझ में आ गई बात, अब लिख लो बाकी कल पढ़ लेंगे इससे आगे। टाइम हो गया, वेरी गुड।